एसएसपी डॉक्टर विपिन तारडा ने अधिकारियों के साथ पोलिंग पार्टी रवाना स्थल गोरखपुर विश्वविद्यालय का निरीक्षण किया, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय के कैंपस में 5 अलग अलग भवन हैं तथा यहां पर हर विधानसभा के लिए पोलिंग पार्टी को रवाना करने के लिए अलग अलग जगह को निर्धारित किया गया है, जिसकी तैयारियों को जायजा लेने के लिए स्ट्रांग रूम, मतगणना स्थल, पोलिंग पार्टी रवाना स्थल का एसएसपी व एसपीसीटी के साथ निरीक्षण किया गया है। इस अवसर पर एसपीसीटी सोनम कुमार, एसपी ट्रैफिक डॉक्टर एमपी सिंह, कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने कहा, वहाँ पे सब फ्लैक्स बैनर बड़े बड़े लगे रहेंगे। अभी जो हमारी 20 तारीख से ट्रेनिंग शुरू होगी, उस ट्रेनिंग में हम उनको बिल्डिंग्स बता देंगे कि किस एसी का किस बिल्डिंग में है, वहाँ से सब दिखाना चाहिए। ये है सर हमारा मेन गेट से 325, जो वहाँ मेन गेट पे आ गए 9 एसी के लोग आ गए, उनको ये मालूम हो जाएगा कि संवाद भवन किधर है, उसका संकेत लगा रहेगा। और संवाद भवन का मतलब ये बैडमिंटन हॉल कहाँ पे है, संवाद भवन, और ये हमारा बैडमिंटन हॉल है। हम संवाद भवन का भी लगाएंगे और बैडमिंटन हॉल का भी लगाएंगे। उनको ये मालूम होगा कि 325 वालों को यहाँ आना है। वो जो कॉर्नर है सर हमारा, जो बच्ची जहाँ पे खड़ी हुई है, वहाँ हमारा टेंट लगा रहेगा, जिसमें आकर के वो अपनी ड्यूटी देखेंगे कि उनका ड्यूटी किस बूथ पर है। सर इधर वाला कॉर्नर ये जो बच्ची यहाँ पे है सर, जस्ट सड़क के मतलब चौराहे का वो कॉर्नर सर, जहाँ गाड़ी खड़ी है, जहाँ खड़ी उसके हाई ये राइट कॉन्टेक्ट, हाँ, तो वो थोड़ा उस तरफ हमने दूर इसलिए रखा कि लगभग 2000 लोग सुबह सवेरे आएंगे और वहाँ ये देखेंगे कि किसका किस बूथ पे है। वहाँ से देखने के बाद अब हमारी यहाँ से टेबल नंबर 1 स्टार्ट होगी और वहाँ से हमारा बाथरूम नज़दीक में है, और जो हमारे रिजर्व का स्टाफ होगा, जैसे ही उनको मालूम होगा कि वो रिजर्व है, उनको हम इस कमरे में कैद करेंगे संवाद भवन में। अभी चीज़ों पर हम डिस्कस कर रहे थे, एक एक हम उसका अगर हमें मिला रहेगा ये दिखाते रहेंगे, भैया तुम भागोगे तो ये FIR हो जाएगी। तो 9 साइड ऐसा तैनात कर देंगे। और ये सामने वाला ग्राउंड है, हम ये सामने इधर जाएंगे तो ये बाणिज्य भवन खड़े हैं, यहाँ खड़े हुए तीसरा आ गया सर, दीक्षा भवन आ गया, दीक्षा भवन के बाद बताइए यहाँ से लेकर के वहाँ तक डिस्ट्रीब्यूशन और रिसीविंग की टेबल मिलेगी इसी के अंदर ही, और जो बैरिकेटिंग रहेगी हमारी ये ऐसे पूरा ही बंद रहेगा। तो जो पोलिंग पार्टी आ रही है उसको आएगा, केवल खजनी वाला वहाँ रखना चाहेगा, बाकी लोग आकर के अपनी गाड़ियाँ यहाँ और सामने खड़ी करेंगे, और जो 322 का होगा गाड़ी खड़ी करके यहाँ आ जाएगा, अपनी ड्यूटी देखेगा, जो रिजर्व होगा उसको पकड़ करके हम कटीदेदार के अंदर ले लेंगे, और जो ड्यूटी जो कैंडिडेट बैठते दूर बैठते
20 तारीख हाँ हाँ सीढ़ियों के नीचे स्टैंड रखा है इधर से रास्ता है नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह डिप्टी डीओ हूं। यहां चूंकि यूनिवर्सिटी कैंपस में हमारे 5 अलग अलग भवन हैं जहां पर संबंधित जो भी विधानसभाएं वहां के लिए निर्धारित की गई हैं उनकी पोलिंग पार्टी रवानगी का उनके स्ट्रांग रूम का ये सब व्यवस्थाएं देखने के लिए माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय और अन्य पुलिस बल आए थे। सभी एसपी साहबान आए थे, उन्होंने इसको देखा और देखने के अनुसार जो नियम है उसके अनुसार वे सब व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी।